नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। पुरानी तहसील के पास चोरों ने ऐसी धमाचौकड़ी मचाई कि तीन दुकान के ताले तोड़ दिए। सुबह शनिवार को जब दुकानदार दुकानों पर पहुंचे तो उनके होश फाख्ता उड़ गए, क्योंकि दुकानों के ताले टूटे हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस वालों को तहकीकात करने के बाद दुकानदारों ने जो जानकारी दी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। टीकमगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। टी शर्ट की बंडल लगे थे, चार पांच बंडल लगे। कितने की चोरी? लगभग वही 15-20 हज़ार के समथिंग। पुलिस आई, रिपोर्ट मैं करी थी, पुलिस आई है क्या? हाँ, रिपोर्ट करने गए थे, अभी पुलिस वाले आए, इंक्वायरी कर रहे हैं। नहीं, ये आपका हाउसिंग बोर्ड मार्केट पुरानी तहसील। ये हमारी गोडाउन बगल में थी, उसके दो ताले टूटे हुए हैं और पड़ोसियों के भी एक दो दुकानों के टूटे हुए। हाँ, ड्राई फ्रूट बॉक्स वगैरह जो कांच के फाइबर के हैं, 6-7 चोरी हुए हैं। तीन दुकानों के ताले टूटे हैं पड़ोसियों के। नाम उनका तो भैया, नाम क्या है उनका? फैंसी गिलास वाला है और सिद्धिशा किड्स वेयर। क्या चाहते हैं? नवीन कुमार जी, कौन सा मार्केट है? पुरानी तहसील प्रांगण। सुबह दुकान खोल ले आए हैं सब, तो तारा टूटा डला था वहीं पे। चार पांच दुकानों के ताले टूटे। नहीं, सामान तो सेंटर लोग लगा था, तो शटर नहीं खुल पाया, ताले खाली टूटे। पहले कहीं नहीं हुआ है, जब कभी नहीं हुआ है। हाँ, सूचना जी थी। आपने सीसीटीवी कैमरा लगवाया? नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा, अंदर लगा दुकान में, बाहर नहीं लगा। मैंने आगे ऐसी कार्रवाई ना हो उनको प्रयास किया जाए। ये दो दुकानों का सामान भी गया है, उनके सेंटर लॉक नहीं लगे थे, वो ताला तोड़कर शटर खोल कर सामान भी ले गए। कितने की चोरी हो रही? 30-40 हज़ार रुपये की चोरी हुई दोनों दुकानों।